हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आप सबका प्रतीक्ष हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम खेलेंगे वॉच डॉग्स 2, हम और आप मिलके खेलेंगे। और मैं आज कुछ कमेंट्स के आंसर भी दूंगा, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और जैसे ही वॉक थ्रू चलता जाएगा, मैं अपने कमेंट्स के आंसर्स, कुछ मैंने कमेंट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिसके आंसर्स मैं देना चाहूँगा। और कुछ अच्छे कमेंट्स भी है, ज़्यादा नहीं है कमेंट्स। तो हमारा हीरो वॉच डॉग्स 2 में है मार्कस, जो कि एक हैकर है, जो आप सबको पता ही होगा। ये वॉक थ्रू वॉच डॉग्स 2 का आप लोगों ने देखा ही होगा, ऑब्वियसली 2016 का गेम है। लेकिन मुझे लगा क्यों ना मैं अपना खुद का भी एक वॉक थ्रू बनाऊँ, तो इसलिए मैं इस गेम को मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। ऑलराइट, जो चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट कमेंट क्या है। फर्स्ट कमेंट की है 2822 गेमर एक्स, जो बोलते हैं, ब्रो यू आर द बेस्ट एंड आई वाज शॉकिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर द PSL एंड इट वर्क्स 100, पता नहीं वन के ऊपर कितने जीरो है, उतने परसेंट इट हैज़ सब्सक्राइब एंड लाइक यू चैनल। इट इज़ रियल, देयर आर अ लॉट ऑफ फेक वीडियोज बट दिस इज़ रियल। अगेन थैंक यू सो मच ब्रो। ये तो छोड़ दो। वीडियो एवर ऑन यूट्यूब, बेस्ट वीडियो एवर ऑन यूट्यूब एंड इट ऑल्सो हैज चैम्पियंस ट्रॉफी। ऑलराइट, सो ये एक्चुअली कमेंट था जो मैंने ESports क्रिकेट 2018 का जो वीडियो बनाया था, 6 महीने पहले वाला, अभी वाला नहीं, MS धोनी वाला नहीं, जो रॉफी जी स्टूडियोज ने बनाया था क्रिकेट पैच, आप सबको पता ही होगा। तो हमारा मार्कस जो है, ज़रा थोड़ा वॉक थ्रू के ऊपर भी ध्यान देते हैं, बीच बीच में कमेंट्स होते रहेंगे। ऑलराइट, तो हमारा जो मार्कस है उसको अपनी प्रोफाइल डिलीट करनी है सिस्टम के डेटाबेस से, बिकॉज उसकी प्रोफाइल थोड़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली प्रोफाइल है। तो उसके लिए वो डेटाबेस, जो पूरे सिटी का डेटाबेस है, उसके उस बिल्डिंग में घुस गया है और अपने हैकिंग के तरीके से अभी वो मार्कस अपनी प्रोफाइल डिलीट करेगा। इस वीडियो में आपको हम वही देखेंगे और उसी गेम प्ले को देखेंगे अभी हम। और इस गेम के बारे में बताना चाहूँगा, तो इस गेम के रिक्वायरमेंट्स, पीसी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली हाई है, लेकिन मेरा पीसी i3 प्रोसेसर और 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ हम इस गेम को खेल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं खेल रहा हूँ। और अगर आप इस गेम के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं कि इस गेम को आप कैसे खेल सकते हैं लो स्पेक पीसीज में, तो मेरा फेसबुक पेज का लिंक मैंने दे के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और मुझे अपने फेसबुक पेज के ऊपर कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टोरी चल रही है अभी। He's not in. Gotcha. So that's him. He's got a gun. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time him. I'm curious. Too late. He's in. Already? Don't play out on them. I have no idea. Nuh-uh. No synonyms either. Give me a real answer. I'm just not that into... All right, the building ke andar ka view of Marcus dekh rahe hai. Ghus gaye. Maarne ki technique to bahut hi achhi hai. All right. तो अब हमें कैमरास हैक्स करने हैं, कैमरा और डोर्स को हैक करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑलराइट, और यहाँ पे कैमरा चेंजिंग सिस्टम भी है,
हम दो व्यूज में इस गेम को खेल सकते हैं, एक जो आप नॉर्मल व्यू और एक ये वाला व्यू। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम हैक कर सकते हैं इस व्यू में। ऑलराइट, तो मेन कंप्यूटर जो यहाँ पे है, ये कंप्यूटर डोर्स को कंट्रोल करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डोर्स है, उन डोर्स को हमने हैक कर लिया, मतलब उस कंप्यूटर को हैक किया, तो डोर्स तो अपने आप खुल जाएंगे अभी। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं आगे। और अब एक और कमेंट देखते हैं, ठीक है। और ये कमेंट किया है कार्तिक भाई, BHY ROJU। ऑलराइट, हाई प्रतीक, हाउ आर यू? या आई एम नीडेड योर हेल्प। द थिंग इज द डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 इज फॉर PC और नॉट? जी हाँ, डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 के बारे में भी मुझे आपको पता नहीं था, इसलिए मैंने ये कमेंट चूज की। If it is for PC, how to play the game? And I am expecting Donner Cricket 17 with keyboard controls. Can you help? Can you please upload the video on it, please? Okay. तो इस कमेंट के बारे में, सबसे पहले तो डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं कि जी हाँ, डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 आप PC के ऊपर ओपन तो कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड के साथ बिल्कुल भी खेल नहीं सकते, इसलिए मैंने अब तक वीडियो नहीं डाला हुआ है। आपको बहुत सारे फेक वीडियोस YouTube पे मिल जाएंगे जो कि बताते हैं कि कीबोर्ड के साथ कैसे खेलना है। डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 को कीबोर्ड के साथ खेलने के ट्रिक्स अलग अलग बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, एक्स कंट्रोलर, वो कंट्रोलर, वाई कंट्रोलर, जेड कंट्रोलर, कुछ भी नहीं होगा उससे। आप कितनी भी कोशिश करो, कीबोर्ड्स के साथ उस गेम को खेल ही नहीं सकते। मैंने भी कोशिश की वो उस वीडियोस को फॉलो करके, ताकि आप सबको गाइड कर सकूं कि, लेकिन आप जैसे कि आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने वीडियो अब तक डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 14 का भी और 17 का भी, दोनों में भी आप कीबोर्ड से खेल ही नहीं सकते ना भाई, इम्पॉसिबल है। आपको अगर खेलना है तो आपको एक्सबॉक्स कंट्रोलर लगेगा, और मैं फिर भी श्योर नहीं हूँ कि अगर आप USB वाला एक्सबॉक्स कंट्रोलर अगर PC को लगाओगे तो शायद खेल पाओगे, लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद चेक नहीं किया है USB कंट्रोलर से। नॉर्मल कंट्रोलर के साथ भी आप नहीं खेल सकते, जो फीफा के लिए जो कंट्रोलर आता है सोनी के, नॉर्मल कंट्रोलर है, उनके साथ भी आप नहीं खेल सकते। आपको एक्सबॉक्स वाला कंट्रोलर ही लगेगा शायद, और उसके साथ भी गारंटी नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट 17 या 14 के लिए जाओ ही मत, अगर आपके पास एक्सबॉक्स कंट्रोल नहीं है। अगर आपके पास एक्सबॉक्स है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। ऑलराइट, तो वापस आते हैं गेम में। मार्कस कहाँ पे घुस गया गर्मी में? कुछ तो कर रहा है, क्या कर क्या रहा है? गेम प्ले हमारा पूरा 20 मिनट्स का है, 20 मिनट्स ही है शायद, और हिंदी गेम प्ले आपको मिल जाएंगे। अब हमारे इंडियन दो बड़े गेमर्स है शायद, उन एक तो हेमंत टीटी है, उन्होंने भी हिंदी वॉक थ्रू डाला हुआ है, मैं उनको फॉलो करता हूँ, और एक और भी है उन्होंने डाला हुआ, उनका चैनल का नाम नहीं याद आ रहा। ऑलराइट, सो एक और कमेंट लेते हैं अभी हम। मार्कस कुछ तो करके बाहर आ गया है। एक ये कमेंट थी, द इंग्लिश इज किलिंग मी बट नाइस वीडियो मैन। हाँ यार, मेरी इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है, इंग्लिश का एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तब प्रॉब्लम आ जाते हैं, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड करते टाइम मैं नर्वस हो जाता हूँ। अभी हिंदी भी आप सुन रहे हैं तो हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे पता है हिंदी इंग्लिश सब ऐसी टूटी फूटी है, लेकिन फिर भी आप लोग इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो तो इसलिए चैनल है, और बाकी कुछ नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा अपने अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। और यहाँ पे मार्कस कर क्या रहा है भाई? अच्छा, लूप बना रहा है शायद, ये लूप को कंप्लीट करना है, घुमा घुमा घुमा, लूप को कंप्लीट करने के बाद यहाँ का मेन पीसी पे एक्सेस मिल जाएगा। जी हाँ, ऑलराइट, एक्सेस मिल गया। तो यहाँ पे अभी मार्कस अपनी प्रोफाइल को एडिट करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसकी प्रोफाइल जो है
सिस्टम के डेटाबेस में एज अ क्रिमिनल है, तो वो पूरा सब कुछ साफ करेगा, अपनी प्रोफाइल को अच्छी बनाएगा। अभी ये गेम की बिगिनिंग है, अब तक गेम का फर्स्ट ही मिशन है ये। राइट मार्कस भाई, बाप रे इतने सारे रिकॉर्ड क्रिमिनल। दिस इज बुलशिट, साफ कर दे सारे के सारे। फक, अभी नर्वस क्या हो रहा है कि इसलिए रिकॉर्ड है ना उधर। और आई कुड जस्ट All right. और प्रोफाइल क्लीन, वाह शाबाश, रियल हैकर। निकल, सिक्योरिटी आ जाएगी, रुक मत यहाँ पे ज्यादा। मालवेयर, ये बंदा अभी उसको लेने को जाएगा। और तो अभी एक्चुअल काम तो हो गया है, लेकिन अभी एक और चैलेंज है हमारे पास कि बिल्डिंग के बाहर जाना है और उसके लिए सिक्योरिटी को क्लियर करना पड़ेगा, और देखते हैं कैसे कर पाते हैं। और राइट, यहाँ पे इस गेम में हम कुछ भी हैक कर सकते हैं। और ये करंट लगा, चलो आगे। और राइट, मैं सीधा ग्राउंड फ्लोर पे नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे भी सिक्योरिटी है। Hold it right there. Help him. क्या बोलते भाई लोग? Josh. Okay. तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलो। अरे 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 अरे, क्या करके रहे हो, कर क्या रहे हो भाई? In 2013, Chicago realized the promise of smart cities with CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance, security, and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move, building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. Toys study your children, reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. So, am I in? Welcome to DedSec. I'm Satara,
This sweetheart is Josh, aka Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Yeah, man, I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's Wrench. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. What's up, brother? What's up, man? It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Shit. You saw Bloom's bullshit. CTOS isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing. Yeah. It's Big Brother and Little Brother all rolled up into one. Huh? Sees everything you do and tells on you. Thank you, Josh. So what's the fix? Sledgehammers and fire. No! Sledgehammers on fire. All of that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government? They'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Man, fuck it! Fuck it, man. We're hackers. We outthink, we out there. I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what Bloom's up to, man. Show the world that their personal data is being used to rob them of their fucking freedoms. Fuck. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Hold on. What? He installed a back door, so all we have to do is walk through. Bingo. Hey, man. Do you have the time? Yeah, man. I got it. Kind of late for a night run, isn't it? Hey, what are you running from the cops? Maybe I am one. Hey, you look familiar. Have a good party. Fucking king, this motherfucker. Fuck you, Bloom. Hello? Whose phone is this? It's your new phone. Where's my phone? In the ocean, where you threw it, I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Check your pics and figure it out. Whose place am I in? ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा रियल वॉच डॉग्स 2, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वॉच डॉग्स 2 स्टार्ट हो गया है. ये तो था बिगनिंग ऑफ द वॉच डॉग्स 2. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए. और कुछ तो मैं भूल रहा हूँ यार, क्या भूल रहा हूँ, रुकिए रुकिए, जरा इसको तो देखते जाइए.